आपको एक बहुत दुख दुर्घटना जो जनजातीय क्षेत्र भरमौर विधानसभा के अंतर्गत जो सब तहसील है होली में, जहां पर एक लोक निर्माण विभाग का स्टील ब्रिज था और वहां पर दो JSW और एंजेलिक कंपनी के जो टिप्पर थे वहां से पास हो रहे थे, और जहां एक हमारे भरमौर के ही ड्राइवर की मृत्यु होगी, सबसे पहले मैं उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं। और दूसरा आपको बताना चाहता हूं कि क्षेत्र में पहले भी हाइड्रो प्रोजेक्ट द्वारा बहुत सारी अनियमितताएं जो है वहां पर बढ़ती जा रही है। बार बार लोगों ने और हमने भी बहुत बार इस मुद्दे को लेकर के शासन प्रशासन को अवगत करवाया है, लेकिन किसी के काम पर जो तक नहीं रहेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चोली पुल टूटा है, जिसकी वजह से आज दर्जनों पंचायतें जो उस क्षेत्र की है पूरे शेष विश्व से कट चुकी हुई है, क्योंकि एकमात्र वो पुल था जहां से आवाजाही लोगों की थी, दूसरा कोई लिंक वहां पर रोड है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि PWD विभाग ने वहां पर कोई उस तरह की चेतावनी का डायरेक्शन या सिंबल कुछ भी नहीं लगाए हुए थे, और जहां तक मेरी जानकारी है कि वो पुल जो था लगभग 8 से 10 टन जो टन वजन का जो भारी मशीनरी या हैवी जो व्हीकल थे उनके लिए सिंगल उसमें पास था, लेकिन वहां पर ये पता चला है कि दो टिप्पर जिसमें लगभग 40 टन से भी ज्यादा माल जो था ओवरलोडेड था, जिसमें उसके चलने से वहां पर वो पुल टूट गया हुआ है, क्षतिग्रस्त हो गया हुआ है। भगवान ने ये नहीं किया कि शायद अगर वहां से कोई बस गुजरती होती तो क्षेत्र के लोगों को कितनी वहां पर दुखदायी दुर्घटना हो सकती थी, बचाव हुआ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आज मैं शिमला में हूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ध्यान में इस मामले को लाया गया है, और साथ में ही जो पावर और फॉरेस्ट के CPS है माननीय सुंदर सिंह ठाकुर जी, उनके भी ध्यान में ये मामला लाया गया है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट जिस तरह से भरमौर में अनियमितताएं बढ़ रही हैं, और जिस वजह से लोगों को जान माल के साथ साथ वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है और लोगों को दिक्कतें परेशानी आ रही है, उनके लिए हमने बताया। और मैं ये मांग करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो CPS इस विभाग को देख रहे हैं, चाहे हाइड्रो और साथ में PWD मिनिस्टर जी से, इनसे मांग करना चाहता हूं कि ये पुल का जो हादसा है ये हल्का हादसा नहीं है, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और बहुत बड़ी दुर्घटना टली भी है। इसके ऊपर एक इंक्वायरी गठित की जाए और दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी मैं ADM और SDM भरमौर और साथ में SHO से ही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या क्या इसके ऊपर कार्रवाई की है, किसके टिप्पर थे, किस कंपनी के तहत थे, और उनको किसने अलाउ किया कि 9-10 टन जो माल है वो क्रॉस हो सकता है और 50-50 टन से ऊपर ज्यादा माल जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। इंक्वायरी की जाएगी और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जल्द।